नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि है बच्चों 3 फरवरी 2021। कार्यपत्रक है 81। विषय है गणित। कक्षा हमारी 9th। और आज का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, अध्याय 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वर्कशीट संख्या 44 की पुनरावृत्ति है बेटा। अगर आप इस वर्कशीट को हल करना चाहते हो तो आपको एक बार वर्कशीट 44 भी पढ़नी पड़ेगी। एक बार 44 को भी देखिए, फिर इस वर्कशीट 81 आसानी से हल हो जाएगी बेटे। इसमें आज की वर्कशीट में कुल आपके 12 क्वेश्चन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से जो प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न 4 में है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो पहले क्वेश्चन है, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन क्वेश्चनों में बच्चों आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। तो आपने इन चारों में से जो सही विकल्प है उसको चुनना है। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, ये आकृति दी गई है आपको इधर शंकु की, और उससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक ये रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों का आपने भरना है। ठीक है बच्चों, आगे के जो क्वेश्चन है 6 से लेके 12 तक, ये लॉन्ग थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। मैं पहले कहता हूँ कि ये पूरी आपको ये वर्कशीट उतारनी है, केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं लिखने, आंसर लिख दिए आपने, जितना भी ये लिखा हुआ है वर्कशीट में ये सब लिखना है। और इसको ये शंकु का चित्र भी बनाना है आपने, शंकु की आकृति भी बनानी है आपने। ठीक है बच्चे। बेटे अंत में बेटे कोविड से संबंधित एक मैसेज है आपके पास, एक संदेश है कि आपको 6 फुट या 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखनी चाहिए दूसरे व्यक्ति से। तो आप कभी भी बात करें किसी से तो हमेशा कितनी, 6 फुट की अथवा 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। ये बात आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों और जितने भी जानकार हैं उनको बताइए, और आप खुद भी सुरक्षित रहिए कोरोना से, और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।